हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, डैट इज़ दी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर थ्योरी ऑफ बिग पुश देखेंगे। और ये जो टॉपिक है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है ही है, साथ में जो नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी रेलिवेंट है। और इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे थोड़े दिनों के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थ्योरी ऑफ बिग पुश जो है, ये अंडर डेवलप कंट्री जो होती हैं, जहाँ पे क्या है कि स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल होती है, तो अगर हमने उनको डेवलप करना है तो वहाँ पे हमें बिग इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। अगर हम जितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है उससे कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक वेस्टेज होती है। तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वो डेवलप नहीं हो सकती। तो अब हम देखते हैं कि जो थ्योरी ऑफ बिग पुश है, डैट इज़ गिवन बाय दी रोजेनस्टीन रोडान। उन्होंने अपना जो इम्पोर्टेंट वर्क था नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ बिग पुश, उसके अंदर जो है उन्होंने कहा था कि जो अल्पविकसित देश होते हैं, अगर उन्होंने विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी, जो गरीबी के दुष्चक्र के अंदर फंसे होते हैं, अगर हमने उसको ब्रेक करना है तो वहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रैटेजी दी थी कि हमें लंप सम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसको बाद में जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया मर्फी ने, शेलिफर ने, रॉबर्ट ने 1989 के अंदर। और ये जो थ्योरी ऑफ बिग पुश है ये जो है किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, अंडर जो अल्पविकसित देश हैं, उसके अंदर क्या है कि हमें लार्ज मात्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है अगर हम उसको डेवलप करना चाहते हैं। अगर हम क्रिटिकल लेवल से कम, मतलब जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है उससे भी कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उसका विशेष सर्कल ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम विकास के रास्ते पर नहीं ला सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अल्पविकसित देश हैं, जिनको हम इंग्लिश के अंदर अंडर डेवलप कंट्रीज़ भी कहते हैं, देयर इज़ ए क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्रॉनिक का मतलब है कि सीरियस प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि जो पूंजी है उसकी कमी होती है, वहाँ पे स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल होती है, सेविंग कम होती है, सेविंग कम होती है तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होती है, और लोगों के पास पैसा कम होता है तो वो अपने आप को डिवेल्प नहीं कर पाते, अपनी स्किलों को इन्हांस नहीं कर पाते। उनके अंदर जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट है, जो सोशल ओवरहेड है वो भी वीक होता है, इरिगेशन के साधन नहीं सही होते, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, हर चीज़ जो है बैकवर्ड होती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अल्पविकसित देश हैं उसके अंदर जो उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है बहुत ही ज़्यादा लो होता है। तो थ्योरी ऑफ बिग पुश जैसे कि नाम से है कि धक्का लगाओ, तो ये कहती है कि हमें धक्का लगाना चाहिए। इसके अंदर क्या है कि हमें डिफरेंट चैनल्स के अंदर साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि एक इन्वेस्टमेंट एक सेक्टर के अंदर जब ग्रोथ होती है तो उसकी जो इनकम है वो दूसरी जो सेक्टर है उसकी डिमांड करती है, और जब दूसरे सेक्टर की ग्रोथ होती है तो वो अदर सेक्टर्स की जो है डिमांड करती है। तो इस तरह से क्या है कि जो बिग पुश थ्योरी है ये कहते हैं भी धक्का लगाओ, कि यहाँ पे हमें सिस्टम को साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट के साथ धक्का लगाना पड़ेगा, अलग अलग फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ताकि एक की ग्रोथ जो है दूसरे की ग्रोथ को स्टिमुलेट करे। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो बेसिकली जो बिग पुश ऑब्वियसली इज़ टू बाय द स्टेट एज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर डू नॉट हैव द नेसेसरी इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। जो बिग पुश थ्योरी है वो कहती है कि सरकार को धक्का लगाना पड़ेगा, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो धक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके पास ना तो इतना मोटिवेशन होता है ना ही इतना पैसा होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट्स को ही धक्का लगाना पड़ेगा। और उसी तरह गवर्नमेंट को क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशंस है, रोड्स है, ब्रिजेस हैं, वो डिवेलप करनी पड़ेंगे। और उसी तरह जो कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री, जो एक इंडस्ट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, उसको साइमल्टेनियसली जो है डेवलप करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो अप्रोच है डैट विल बी दी बैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तभी क्या है कि जो अंडर डेवलप नेशंस हैं उनका विशियस सर्कल जो है ब्रेक हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर लो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से क्या है, लो इन्वेस्टमेंट की वजह से वहाँ पर
अंडर डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप हो जाती है। अगर हमने उसको ब्रेक करना है तो वहाँ पे हमें सोशल ओवरहेड्स और उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। और देखो, जब इकोनॉमी के अंदर अंडर डेवलप इकोनॉमी के अंदर सोशल ओवरहेड क्रिएट हो जाएगा, वेरियस कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ को सरकार धक्का लगाएगी, तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो अपने आप क्या है कि जब बाहरी बचते, क्योंकि देखो जो बिग पुश थ्योरी है ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के ऊपर बेस्ड है। जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को लगेगा कि यहाँ पे सोशल ओवरहेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ मिल रही हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमी से कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, तो वो आगे आएंगे और जो ग्रोथ है उसको सस्टेन करेंगे। और बिग पुश जो है, डैट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ इंजेक्टिंग इनटू द सिस्टम सच ए डोज ऑफ द लमसम इन्वेस्टमेंट डैट ब्रेक्स द शेकल ऑफ इकोनॉमिक पैसिज्म एंड ऑफर प्राइवेट इन्वेस्टर एनफ ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद हाई रेट्स ऑफ प्रॉफिट। देखो, बिग पुश जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं भाई धक्का लगाना, बड़ा धक्का लगाना, तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यूज़फुल नहीं है। अगर हमने इकोनॉमिक पैसिज्म जो कि निराशावादी है उसके चुंगल से निकलना है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को स्टिमुलेट करना है कि वो भी इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पे हमें लार्ज मात्रा के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट जो है करनी पड़ेगी। और उसी तरह क्या होती है कि देखो, अगर हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो यूज़फुल नहीं होती, जितनी कि सिंगल डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भारी मात्रा में एक इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उसके जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर करें, देखो इंडिविजिबिलिटी होते हैं जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इंडिविजिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। अगर हम स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, तो हमें सिंगल डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है करनी चाहिए। और उसी तरह प्रोफेसर रोजेनस्टीन रडियान कहते हैं, देयर इज़ मिनिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज डैट मस्ट बी डिवोटेड टू डिवेलपमेंटल प्रोग्राम इफ़ इट इज़ टू हैव एनी चांसेस ऑफ सक्सेस, कि अगर हमने अल्पविकसित देशों के अंदर डिवेलपमेंट करनी है तो यहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है करनी चाहिए, तभी वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हमने सेल्फ सस्टेन ग्रोथ करनी है, जैसे हमने हवाई जहाज़ को ऊपर लेके जाना होता है, तो नेचुरली हमें वहाँ पे जो है, क्योंकि क्रिटिकल ग्राउंड जो होती है कि धीरे धीरे वो जैसे ज़मीन से ऊपर की तरफ जाता है, तो वो बेस तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देयर आउट टू बी क्रिटिकल मिनिमम साइज ऑफ द ग्रोथ प्रोग्राम, कि भी इतना कम से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इतना ग्रोथ प्रोग्राम पे खर्चा होना चाहिए, ताकि हमें जो बेसिकली है जो सिस्टम के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। जो डिस इकोनॉमी से जो नुकसान हानियाँ होती हैं वो उनको हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के अंदर जो बाहरी बचतें होती हैं, जो सबको अवेलेबल होती हैं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पे जो डिस इकोनॉमीज़ जो हमारी नुकसान है, बाहरी नुकसान है, उनको हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे स्मॉल स्केल जो इन्वेस्टमेंट होती है वो काम नहीं करती, सिंगल डोज ऑफ लार्ज अमाउंट जो है वो काम करती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बिग पुश थ्योरी। मैसिव इन्वेस्टमेंट, मैसिव इन्वेस्टमेंट का है भारी मात्रा के अंदर हमें निवेश करना पड़ेगा, तो मैसिव इन्वेस्टमेंट एट द वेरी आउटसेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि जब हमने ग्रोथ का काम शुरुआत में ही हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें छोटी छोटी मात्रा के अंदर निवेश नहीं करना पड़ेगा। अगर हम छोटी छोटी मात्रा के अंदर निवेश करेंगे तो हमारा ग्रोथ जो है रुक जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, तो यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स ऑफ ग्रोथ के अंदर, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ताकि हर एक चैनल जो है सस्टेन ग्रोथ ऑफ अदर बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी डिमांड बेस। क्योंकि देखो, अगर एग्रीकल्चर डिवेलप होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर डिवेलप नहीं होता, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो सस्टेन नहीं हो पाएगी। अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है तो साथ के साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों सेक्टर जो है साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ से बैलेंस ग्रोथ जो है बनी रहती है।
प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे जो बिग पुश थ्योरी है ये कहते हैं कि हमें औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए। अल्प विकसित देशों के अंदर वी हैव टू सेटअप दी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर चाहे डोमिनेंट सेक्टर होता है बट एग्रीकल्चर जो है बैकवर्ड होता है और इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के अंदर गरीबी होती है। तो हमें अगर तरक्की करनी है तो इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए और वहाँ पर हमें लार्ज मात्रा के अंदर जो है निवेश करना चाहिए। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो बिग पुश थ्योरी है इसका बेस क्या है। ये कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमी आर द प्रिंसिपल बेस ऑफ द थ्योरी। अब हम देखते हैं कि जो एक इंडस्ट्री है अगर वो बेसिकली बाहरी बचतों की वजह से क्या है कि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाती है, तो जो वो कॉस्ट रिड्यूस करती है तो वो दूसरी इंडस्ट्री जो कि उसका इनपुट यूज़ करती है तो उसको भी वो बेनिफिट पास करती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हर एक इंडस्ट्री का जो है प्रॉफिट इन्हांस होता है। तो बाहरी बचते जो है डैट इज़ द प्रिंसिपल बेस ऑफ द थ्योरी। प्रोफेसर रोडान स्टेट्स स्ट्रेसिंग द एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नल इकोनॉमी जो होती है सारे सिस्टम को अवेलेबल होती हैं, जो है यहाँ पे जो एक्सटर्नलिटीज हैं जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं तो बाहरी बचतें सबको अवेलेबल होती हैं। जो स्टैटिक इकोनॉमी होती है वहाँ पे एक्सटर्नल इकोनॉमीज अवेलेबल नहीं होती। तो एक्सटर्नल इकोनॉमी को हम एक स्पेसिफिक सेंस के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये वो बचतें होती हैं जो सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को अवेलेबल होती हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर हर चीज़ ग्रो हो रही होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंडस्ट्री जो है अगर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करती है और दूसरी इंडस्ट्री उसका इनपुट यूज़ करती है तो वो जो उसने सेविंग की है उसका बेनिफिट दूसरे को भी जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ओवरऑल सबको बेनिफिट होता है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज एक्ट एज ए सैटेलिटिक एजेंट के ग्रोथ के प्रोसेस के अंदर उनका बहुत ही योगदान होता है। और यहाँ पे क्या है कि हमें बिग पुश देना पड़ेगा, भारी धक्का जो है लगाना पड़ेगा जिसके अंदर हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है करनी पड़ेगी। नीड ऑफ बिग पुश, व्हाई डू वी रिक्वायर बिग पुश, क्योंकि बाहरी बचतें होती हैं, इंडिविजुअलिटी होती है, कई चीज़ें हम छोटी छोटी मात्रा के अंदर नहीं ले सकती। तो इसकी तीन इंडिविजुअलिटी होती है, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर इंडिविजुअलिटी इनपुट की फॉर्म में भी हो सकती है, प्रोसेस की फॉर्म में भी हो सकती है, आउटपुट की फॉर्म में भी हो सकती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी रिटर्न इंक्रीज होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है और कैपिटल आउटपुट रेशियो भी रिड्यूस होता है। और उसी तरह ये कहते हैं कि अगर हमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज तभी मिलेंगी अगर हमारा सोशल ओवरहेड जो है स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ पे डेवलप हो। सोशल ओवरहेड का अर्थ है रोड्स, ब्रिजेस, पावर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये जो बेसिकली है ये हमारा विकसित होना चाहिए तभी इंडस्ट्री लग सकती है। रोड्स, ब्रिजेस, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये प्री कंडीशन है कि जब इंडस्ट्री सेटअप है तो ये चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। बट इनमें क्या होता है कि पैसा जो है ज़्यादा लगता है, गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होता है, हैवी मैकेनाइजेशन होती है और जो वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका आपस में इंटरकनेक्शन होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि इनविजिबिलिटी ऑफ द डिमांड। देखो जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। जैसे एक इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी है वहाँ पे अदृश्य डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका अर्थ होता है कि लगता है कि लोग रोजगार पे हैं, जैसे खेतीबाड़ी के अंदर दो ही बंदे चाहिए बट पूरी की फैमिली 10 बंदों की फैमिली उसमें लगी हुई है, तो ये हम कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसके अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। शू फैक्ट्री है जिसके अंदर 100 लोगों को रोजगार दिया जाता है और उनको जो इनकम जनरेट होती है वेजेस की फॉर्म में होती है और उनकी इनकम का कुछ हिस्सा जो होता है शूज परचेज पे लगता है और बाकी हिस्सा जो होता है बाकी जो उनकी रोजमर्रा की नेसेसरीज होती हैं, कम्फर्ट्स होते हैं, उन पर लगता है। अगर हम कहें कि जो शू फैक्ट्री है इन 100 वर्कर की डिमांड के ऊपर ही डिपेंड करती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बट उससे क्या है कि अगर गांव के अंदर जो है इकोनॉमी के अंदर और लोगों को रोज़गार मिल जाता है अलग फैक्ट्रीज़ के अंदर तो नेचुरली वो शू फैक्ट्री की डिमांड करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप होती जाएगी एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री की डिमांड करेगी, दूसरी तीसरी की करेगी, तो इस तरह से क्या है कि हर एक इंडस्ट्री जो है अपना डिमांड बेस जो है सेल्फ सस्टेन करेगी और ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और उसी तरह इंडिविजिबिलिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ द सेविंग, कि अगर हम अंडर डिवेलप कंट्रीज़ के अंदर चाहते हैं सेविंग ज़्यादा हो तो हमें वहाँ पे क्या है कि बड़े साइज़ की फॉर्म्स होनी चाहिए, बड़ा प्रॉफिट होगा तो बड़ी सेविंग होगी। तो क्रिटिकल मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है रिक्वायर्ड है। अगर हमने इतना
मिनिमम जो है सेविंग पोटेंशियल होना चाहिए। लार्ज सेविंग तभी पॉसिबल है अगर हमारा साइज ऑफ इनकम लार्ज है, कि अगर हमारा बड़ा यूनिट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो जिससे क्या है कि हम लो इनकम प्रोफाइल से उसको हाई इनकम प्रोफाइल के अंदर लेके जा सकते हैं। क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही क्या है इनकम ज़्यादा होती है और उतनी ज़्यादा सेविंग होती है और जिसके बेसिस पे लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है। अब हम देखते हैं कि जो बिग पुश थ्योरी है इसके क्या इम्प्लीकेशंस निकलते हैं, क्या सिद्धांत निकलते हैं। प्रोफेसर रोजेनस्टाइन रोडान कहते हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ इंडिविजुअलिटी जो है इकोनॉमी को धक्का लगाती हैं। तो इसी तरह क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे की चीज़ों की डिमांड करते हैं, अगर हम उनमें लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी तरह सोशल ओवरहेड जो है क्रिएट होता है, तो जिससे क्या होता है कि इकोनॉमी डिवेलप करती है। और यहाँ पे इनका जो फोकस है वो बैलेंस्ड ग्रोथ के ऊपर है। और एक्सटर्नल इकोनॉमी की वजह से क्या होता है कि कॉस्ट रिड्यूस होती है, रिटर्न ज़्यादा होती है और बैलेंस तरीके से ग्रोथ होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि इस थ्योरी जो थ्योरी ऑफ बिग पुश है, इसको काफ़ी लोगों क्रिटिसाइज भी किया है कि ये जो थ्योरी है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये कहते हैं कि जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बिग पुश बिग धक्का लगाने से क्या है ग्रोथ होती है। बट एक्सटर्नल इकोनॉमी तभी पॉसिबल होती है कि जब हम बिग पुश पहले करते हैं। और लेस डेवलप कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि शॉर्टेज फंड होती है, तो किस तरह से जो है फंड्स को लार्ज मात्रा के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर ये थ्योरी जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और उसी तरह क्या है कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की वजह से कॉस्ट रिड्यूस होती है, बट ये नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितनी ग्रोथ होती है उतनी ही ग्रोथ सेकेंडरी सेक्टर के अंदर पॉसिबल हो। ये प्रोपोर्शनल ग्रोथ जो है पॉसिबल नहीं है। और उसी तरह ये थ्योरी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं। और एग्रीकल्चर जो है काफ़ी लोगों को रोज़गार भी देता है और जीडीपी के अंदर भी इसका काफ़ी शेयर होता है। और एडलर का ये मानना है कि अगर हम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे यह है कि अगर हम कंटिन्यूशन के अंदर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा यूज़फुल होती है। और ये कहीं से भी हिस्टोरिकली हमें फैक्ट नहीं मिला कि बिग पुश लगाने से क्या है कि इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है। और जब हम सोशल ओवरहेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लंबे समय के अंदर वो प्रोजेक्ट चलता है, इनकम पहले हो जाती है, चीज़ें अभी बनती, मतलब इंडस्ट्री लगती नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो चीज़ों की डिमांड करेंगे और वहाँ पे इन्फ्लेशनरी जो है सिचुएशन, जहाँ पे कीमतें वृद्धि जो है हो जाती हैं, क्योंकि चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं होती, क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो उनमें गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होता है, लोगों की इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है काम मिलने की वजह से, पर वो दूसरी चीज़ों को डिमांड करते हैं, डिमांड पूरी नहीं होती, तो जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं।